आपकी लाइफ जर्नी। हाँ जी, बिल्कुल नटशेल में अगर आप डिस्क्राइब करें, कैसे करेंगे? लोग पतंजलि सिर्फ ब्रांड जानते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर पतंजलि बोलो तो वो सिर्फ वो बाबा रामदेव जी को इमेजिन करते हैं और वो प्रोडक्ट्स इमेजिन करते हैं। जैसे एक एवरेज पर्सन, एवरेज बॉय होता है, तो लाइफ बड़ी मिक्स रही है। मैं कुछ समय कोटा में था। एक तो ये है, विराम का मतलब हम समझते हैं, एक तो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कि मेडिटेशन कैसे करें, और हमको तो सिर्फ मेडिटेशन करना है। आ रही है कंप्लेंट्स मेरे पास, लाइक 15, 16, 17 इयर्स की गर्ल जो है उनको पीसीओडी पीसीओएस डिटेक्ट हो रहे थे जल्दी। अगर आपके बॉडी में कोई एक ऑर्गन खराब है, उस ऑर्गन का लोड किसी और ऑर्गन पे तो आएगा। मुझे शीर्ष आसन बहुत अच्छा लगता है, हेड स्टैंड जिसको कहते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, वो डिफिकल्ट होता है, आप उसको सीख सकते हैं कुछ योग अनुशासनम। तो यानी कि यहाँ से योग का अनुशासन लागू होगा। वेलकम टू द न्यू शो ऑफ कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर गेस्ट व्यूअर्स, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन। दिस इज अ फाउंटेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी। आपका एक क्लिक इस सब्सक्राइब बटन में मीन्स अ वर्ल्ड फॉर मी। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज क्लिक इट। हम अक्सर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जीना ही भूल जाते हैं। सो दैट इज वाई इन आर टूडेज शो वी हैव अ वर्सेटाइल एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग ऑल अबाउट। अ योगिक थेरेपिस्ट, अ नेचर लवर, अ हाईली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन, गुरुजी भुवन मलिक। सो ही विल बी ज्वाइनिंग अस फॉर टूडेज सेशन। Looking forward with all your love. Please keep watching us. Welcome to the show. Namaskar. सबसे पहले मैं एक अपना जो बिल्कुल एक जनाइन जो मेरा थॉट एक आता है, लाइक जब भी हम रिसर्च वर्क करते हैं, जब भी कोई गेस्ट हमारे शो पर आते हैं, सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया, मतलब शिव जी की ज्यादा कृपा है आपके ऊपर या क्या है? बिकॉज हमको लगता है, मुझे लगता है पर्सनली कि हम सबके लिए सिर्फ 24 घंटे ही एक दिन में। आई फील शायद आपके पास 48 घंटे हैं। मतलब आप सारी जगह हैं, सारी जगह, एवरीवेयर। मतलब आप लोगों को हील भी कर रहे हैं, आप एज एन इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप नेचर लवर हैं, सोलो ट्रिप्स आपने पता नहीं कितनी सारी करी हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि हाँ, शिव जी की कृपा है, माँ पार्वती का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये सब कार्य कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, चाहे मेरा कितना भी बिजी रूटीन हो, कुछ भी हो, मेरे पास कभी भी कॉल आ जाता है। अब जैसे मेरा नंबर सोशल मीडिया पर बहुत फ्लोट हो चुका है बिकॉज ऑफ द रेस्क्यू वीडियोज एंड ऑल। जैसे मैं डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गई या गाय हो गई, जैसे भी हो, मैं सेवा करने का मौका खुद भी नहीं छोड़ता हूँ। और ऊपर से आदेश आता है, जैसे आपको फोन में मैसेज आता है वैसे मुझे यहाँ आता है। मुझे ऐसा होता है कि मतलब मैं चाहूँ भी ना अगर कि मैं ना जाऊँ, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है दूसरा, बट मैं रोक नहीं पाता खुद को। अगर मैं मना भी कर देता हूँ तो मुझे अगले 5 मिनट तक 7 मिनट तक ऐसा वो पिंच होता रहता है, गिल्ट। हाँ, ये स्टार्टिंग में होता था जब ऐसे कॉल्स आते थे, बट अब तो मैं मना कर ही नहीं सकता हूँ। अब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से आदेश है, तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ उसको। तो बस वैसे ही फिर सोशल वर्क होता है, वो उनके माध्यम से होता है। जो लोग योग करने आते हैं, ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, वो भी उनके माध्यम से आते हैं। उनको जिनको वो चाहते हैं वो मेरे पास आए, जिनका निदान मेरे द्वारा होना है वो अपने आप आ जाते हैं। वही है कि पहला कदम हमको रखना पड़ता है। हाँ जी। और फिर शायद रास्ते अपने आप ही खुलते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, आपकी लाइफ जर्नी। हाँ जी। बिल्कुल नटशेल में अगर आप डिस्क्राइब करें, कैसे करेंगे आप? जैसे एक एवरेज पर्सन, एवरेज बॉय होता है, तो लाइफ बड़ी मिक्स रही है। मैं कुछ समय कोटा में था।
फिर उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जो कि मैं नहीं जाना चाहता था, बट उन्होंने भेज दिया मुझे। तो पहले एक साल तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा, फिर उसके बाद में somehow I get connected to sports, और उसके बाद फिर मेरा जर्नी एकदम अच्छा हो गया, फिर मैं बाहर रहा, फिर देन ड्यू टू सम रीजंस मुझे वापस कोटा आना रहा, और इस तरीके से जो है वो जर्नी चलता रहा मेरा। तो अगर हम बात करते हैं आपकी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट आया, मतलब अगर हम बात करें आपकी इनिशियल स्टेजेस की, आपका यूथ, हाँ जी, तो आप बहुत पैशनेट, एनर्जेटिक, हाँ जी, जर्सी नंबर 10 इफ आई एम राइट, है ना, स्टेट लेवल टूर्नामेंट आप लोगों ने जीता था, आपकी टीम ने पूरी, हाँ, अभी रिसेंटली टूर्नामेंट जीता, राइट राइट, है ना, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव हैं, हाँ जी, हैंडबॉल भी आप खेलते हैं, हाँ जी, राइट, उसके बाद फिर अचानक से योग की दुनिया में आना, हाँ जी, योगा ट्रेडिशंस, योगा करना, तो ये बिल्कुल एक यू टर्न आपकी लाइफ में कैसे आया कि एकदम से आप इतनी एनर्जी के साथ बबल कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपको देख के भी लगता है कि इतना काम, पीस और हार्मनी है, तो ये यू टर्न कब आया? मैं अगर बताने लगूंगा तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, बट मैं नटशेल में आपको बताता हूँ कि मैं कर्म योग में हमेशा से स्टार्टिंग में था, मतलब नोइंगली अनोइंगली, बचपन से ही जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाता था तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें वो मेरे द्वारा करवाते थे, तो वो चीजें वहीं से अंदर थी। और फिर जब बोर्डिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब बोर्डिंग स्कूल में गया तो वहां जाने के बाद में मेरा स्टार्टिंग में मन नहीं लगा, बट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स मैं रुक गया वहां पर, फिर मैं स्पोर्ट्स डायरेक्शन में चला गया और वो पैशन अंदर इतना बढ़ता चला गया कि फिर स्टेट, फिर नेशनल्स, और बस वो जर्नी वैसा चलता चला चला गया। और मेरा शुरू से एक ड्रीम रहा था आर्मी, मैं हमेशा डिफेंस में जाना चाहता था, बट कुछ ऐसे रीजंस रहे कि मैं नहीं जा पाया वहां पर। बट अभी भी जैसे आप बोलते हैं, आप जो चाहते हैं वो कैसे ना कैसे कनेक्ट हो जाता है, तो आज जो है मैं अपने प्लेइंग एक्सपीरियंस से, और फिर मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे, तो अब मैं जो कोटा की आर्मी यूनिट है, मैं उसका हैंडबॉल कोच हूँ और मैं उनका फुटबॉल कोच हूँ, तो मैं कैसे ना कैसे अभी भी डिफेंस से कनेक्टेड हूँ। और मुझे वो लाइफस्टाइल जो है वो हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि हाँ, यू हैव अ सर्टेन रूटीन जिसको आपको फॉलो करना है, जिसमें आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो रहा हो, आपका पल पल कीमती है, तो डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन जो है मुझे, वो डिसिप्लिन ने एक्चुअल में आर्मी के लिए इनिशियल में अट्रैक्ट किया था मुझे जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था। वो देशभक्ति वाला तो उस समय मुझे इतना नहीं आया था, उस समय डिसिप्लिन था और ये था कि हाँ, आर्मी में जो लोग होते हैं वो कितने फिट होते हैं, वो दे आर गुड इन टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो वो धीरे धीरे वो ग्रो होता गया, बट किसी रीजन से मैं नहीं जा पाया, बट लाइफ ने वो जर्नी ऐसा हुआ कि मैंने जब कोर्सेस करे, सब किया, एक्सपीरियंस लिया, तो मैं आज उनको कोच करता हूँ, और मैं आर्मी की यूनिट्स को मैं योगा भी सिखाने जाता हूँ, योगा अभ्यास भी करवाता हूँ। और वो जर्नी ऐसा हुआ कि मैं योग पढ़ तो बहुत सालों से रहा था, मतलब जब जर्नी चल रहा था मेरा, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग करा, मास्टर्स किया, तब भी मैं योग पढ़ रहा था, बट बीइंग इनटू स्पोर्ट्स, जब मैं योग अभ्यास करता था तो मुझे वो रश नहीं आता था ब्लड पे ना, कि व्हेन यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट तो आपको लगता है कि हाँ, 5-10 मिनट आपने वार्म अप किया तो और उसके बाद में यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द बॉल, आपको स्कोर करना है, आप कॉम्पिटिशन मोड में आ जाते हो, बट योगा एकदम डिफरेंट है। हाँ जी। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मुझे वो नहीं हो पाता था, मिलता ही नहीं था, तो मैं सिर्फ थियोरेटिकली तो पढ़ रहा था बट अप्लाई नहीं कर रहा था। बट इतने साल खेलते हुए मुझे इंजरीज बहुत हुई, फुटबॉल खेलते हुए लेग इंजरीज बहुत हुई, हैंडबॉल खेलते हुए हैंड इंजरीज बहुत हुई, और वो इंजरीज का समय जो है रिकवरी का, वो बढ़ने लग गया। जब आप यंग एज में होते हो तो रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, और उस समय इतना किसी से सीखा भी नहीं था कि अगर आपको इंजरी हो रहा है तो यू शुड टेक रेस्ट, बट उस समय हम प्राउड फील करते थे कि इंजर्ड होने के बाद भी यू आर ऑन द ग्राउंड, चाहे पट्टी बंधी हुई है, चाहे कुछ भी है, बट यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। उससे सीखने को तो मिलता ही है, बट अगर आप रेगुलरली ऐसे करते चले जाओगे तो मसल रप्चर होगा, वो हील होएगा ही नहीं।
उस वजह से इंजरीज बहुत होने लग गई और रिकवरी का टाइम बढ़ता चला गया। फिर मुझे लगा कि अब शायद अब वक्त आ गया है कि जो मैंने पढ़ा इतने समय, शायद मैं खुद पे अप्लाई एक बार करके देखूं। तब मैंने जब योग अभ्यास करना स्टार्ट किया अपने पढ़ने के करीबन शायद 5-6 साल बाद, पढ़ता रहा मैं, देखता रहा, वीडियोस देखता रहा लोगों के, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बाद में अपने प्रैक्टिकल एकदम मैंने लास्ट में किया। और मेरे साथ ऐसा है कि जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करता कुछ, मैं वो चीज नहीं मानता। जब मैंने वो चीज खुद पे एक्सपीरियंस करी कि हाँ, योग से बहुत कुछ हील होता है, और जैसे कि लोगों को अब रियलाइज होता है, जो लोग मेरे पास योग अभ्यास के लिए आते हैं, कुछ 40s में है, कुछ 50s में है, कुछ 30s में है, उनको अब ऐसा महसूस होता है कि क्या हम अगर पहले चालू करते, तो पहले अभ्यास हमने स्टार्ट कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, अभी हम कितने आगे हो गए होते। तो वो रियलाइजेशन मुझे उस समय हुआ जब फिर मैंने खुद पे एक्सपीरियंस वो करा। और कैसे ना कैसे, शायद ऊपर से आदेश था, उन्होंने, मैंने अर्जी लगाई केदारनाथ की, उन्होंने मुझे बुलाया, और जब मेरे दर्शन हो गए, दर्शन के बाद में ऐसा लगा जैसे कि एकदम आपके आगे से धुंध हट जाती है ना, वो धुंध हट गई और मुझे लाइफ का डायरेक्शन मिल गया। मतलब बीइंग इनटू योगा, मैं उससे पहले एज अ हैंडबॉल कोच, फुटबॉल कोच, मैंने कोटा में, मुंबई में, सब जगह जॉब किया। मुझे अराउंड 8 to 9 years का एक्सपीरियंस था स्पोर्ट्स में। और बट जब यहाँ पर पहुंचे, केदारनाथ पहुंचा मैं, उसके बाद वो ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे डायरेक्शन दे दिया है कि नाउ आई एम गिविंग यू दिस, यू टेक दिस फ्रॉम हियर, और अब जाकर के स्टार्ट करो। और ये बात थी कोविड की, कोविड टाइम। तब मैं घर आया और अपने आप चीजें फिर होती चली गई, सब होती चली गई। योग विराम राइट। हाँ जी, योग विराम नाम आपने क्यों दिया? मतलब योग, आई कैन रिलेट कि ठीक है, आप योग से ही, योग अभ्यास ही आप करते हैं, आप खुद वो करते हैं। हाँ जी, योग के साथ विराम शब्द आपने यूज करा। हाँ जी, ऐसा क्यों करा आपने? इसके पीछे 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है, विराम का मतलब हम समझते हैं, एक तो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। बिल्कुल। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है मुझसे बात करते हुए कि आपने विराम क्यों लिखा, ये तो स्टॉप हो गया। बट अगर हम इसको दूसरे पॉइंट से देखें तो विराम का मतलब होता है रेस्टिंग पॉइंट। आप किसी सेंटेंस को एंड नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट दे रहे हो, रेस्टिंग पॉइंट है वो, देन यू आर कंटिन्यूइंग अगेन बैक। तो जो विराम का मतलब है वो रेस्टिंग पॉइंट, तभी उसके नीचे टैगलाइन है योग विराम फाइंड योर काम। मतलब आप उस रेस्टिंग पॉइंट पे अपना कामनेस ढूंढ रहे हो, पीस ढूंढ रहे हो। और अगर मैं और इसका एक बताऊं तो मुझे सोचने में बड़ा वक्त लगा था, ये मैंने अपने माताजी और पिताजी के नाम से जोड़ के बनाया है। अच्छा। हाँ, मेरी जो माताजी है उनका नाम है विमला, और मेरे जो फादर हैं उनका नाम है रामचंद्र मलिक। ओके। तो विमला का VI और रामचंद्र जी का RAM, विराम। अच्छा, राइट। तो आपके पास दोनों रीजंस हैं, दोनों रीजंस उसका है। डीप मीनिंग भी है। हाँ जी। और उसका लिटररी मीनिंग भी, दोनों है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। तो अगर हम बात करते हैं आपके डेली रूटीन की। हाँ जी। आपका डेली रूटीन सुबह कैसे शुरू होती है और फिर दिन कैसे खत्म होता है आपका? मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता हूँ, अराउंड 3:30 मैं उठ जाता हूँ। सुबह उठ के मैं अपना जो भी रूटीन है, रेगुलर रूटीन है, अपना फ्रेशन अप होना, और उसके बाद में मैं अपना साधना करता हूँ, जिस तरह की भी साधना होती है। कभी मैं भक्ति योग करता हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, तो मैं सुबह बैठ के किसी दिन ध्यान लगाता हूँ, थोड़ी देर ध्यान करता हूँ, किसी दिन मैं भक्ति योग करता हूँ, अपना मैं हारमोनियम लेकर के मैं अपना सुर साधना करता हूँ, किसी दिन मैं बैठ के शंख का अभ्यास करता हूँ, शंख बजाता हूँ। इस तरीके से मेरा जो सुबह का समय है 6 बजे तक ऐसा ही रहता है। थोड़ा ये साधना के बाद में अपना योग अभ्यास करता हूँ 5 से 6 बजे से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फिर 6 से लेकर 12 बजे तक जो है मेरी क्लासेस ही रहती हैं, उसमें मैं योग अभ्यास करवाता हूँ, और फिर बाद में मैं ट्रीटमेंट्स करता हूँ। मैं योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं योग के माध्यम से ही लोगों का इलाज भी करता हूँ, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनका इलाज।
वेरी डायनेमिक, मतलब इतनी सारी चीजें। और फाइनली सोने से पहले, हाँ जी, फाइनली जब होता है ना कि अब हम जा ही रहे हैं बेड पे सोने के, लाइट ऑफ हो रही है, क्या करते हैं आप उस टाइम पे, कुछ चलता है दिमाग में? मैं लाइफ को बहुत ज्यादा आगे नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रात हो जाती है मैं अपना फोन दूर रख देता हूँ। मुझे प्राणायाम करना होता है तो मैं एक प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ जिससे आपको नींद अच्छी आती है, भ्रामरी प्राणायाम होता है, उससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। जैसे आजकल शिकायत बहुत आती है लोगों की, हम सो नहीं पाते। हाँ, एक आज के टाइम को जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे बहुत रैंडम कॉल्स आते हैं, इंसोमनिया, बहुत सारे लोग जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा होता है कि फोन चलाते 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 और वो ऐसे सो जाते ऐसे सोते हैं आजकल सब। तो अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करोगे रात के वक्त सोने से पहले तो बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको सपने भी अच्छे आएंगे। तो कुछ लोगों को शिकायत भी ये होती है कि अगर हम सो भी जाते हैं तो सुबह बड़ा थकान महसूस होती है, है ना, और या हमको सपने बड़े अजीब से आते हैं कि हम आधी रात में जाग जाते हैं। तो मैं सोने से पहले अपना प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ और सोने से पहले मैं एक बार अपने पूरे दिन का एक रिकैप करता हूँ कि आज मैं सुबह इस वक्त उठा था, और मेरा एक दिन पहले ही रूटीन बन जाता है कि मुझे ये करना है नेक्स्ट डे। हाँ, मुझे नेक्स्ट डे ये करना है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये मुझे ले जाता है मेरे गोल की तरफ, मार्क की तरफ। मतलब मेरा अगले कोई नेक्स्ट डे कुछ समय वेस्ट तो नहीं हो रहा है। आज अगर मैं सोऊंगा तो मैं सोने से पहले अपना रूटीन बना लेता हूँ कि कल इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय ये है, और उसको एक बार बनाने के बाद मैं चेक करता हूँ कि कहीं मेरा समय कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो मैं वो जब रात को सोने से पहले मैं अपना जो आज का पूरा रूटीन है उसको मैं रिकैप करता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, जो था उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्या कुछ एरर हुआ, क्या कुछ करेक्शन हो सकता है, क्या अच्छा हुआ, बस एक बार वो इवैल्यूएट करके और मैं रीचेक कर लो और वापस से जो है अपने गुरु महादेव उनको एक बार धन्यवाद और फिर मैं सो जाता हूँ। लास्ट टाइम क्या रहता है आपके सोने का, कि इसके बाद तो सोना ही है, मतलब अब तो बहुत लेट हो गया। हाँ जी, रूटीन अब जो है थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाता है। यूजुअली ट्राई तो यही रहता है कि मैं 10 बजे तक सो जाऊं, बट कभी कभी होता है कि मुझे 12 बजे तक भी जागना पड़ता है, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया मैं रेस्क्यू करता हूँ, मैं तो अब सोशल मीडिया पे नंबर फ्लोट हो चुका है, तो कभी कभी 11 बजे 12 बजे भी मुझे कॉल आ जाता है कि हम XYZ जगह पर हैं और हमारे सामने एक गाय है, या हम इधर हैं यहाँ पर एक डॉग है। फिर मैंने जैसे आपको कहा मैं मना नहीं कर सकता, जाना पड़ता है। मैं उस समय ये नहीं सोचता कि मेरी नींद अधूरी रह जाएगी, मैं सुबह क्लास नहीं ले पाऊंगा या मेरा कुछ मिस हो जाएगा। मुझे लगता है ये ऊपर से आदेश आया और मुझे जाना है, और अगर मैं नहीं जा पाया मैं अपनी नींद को देखूंगा, इसको देखूंगा, फिर मैं योगी नहीं हुआ। अगर मैं मना कर दूंगा तो मैं योगी नहीं हुआ, नहीं। या मैं उस काम को टाल दूं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से कभी कभी वो चीज ऐसे हो जाती है कि मुझे 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, बट मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ 10 बजे सो जाऊं, क्योंकि मेरे को वापस से ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। फिटनेस फ्रीक भी हैं, इवन आप डिसिप्लिन फ्रीक भी बहुत ज्यादा। हाँ जी, isn't it? मतलब everything has to be in discipline. हाँ जी, ये क्वालिटी है आपके अंदर। कभी अगर डिसिप्लिन ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज ऑफ एनी सीन अनसीन रीजन, हाँ जी, है ना, आपने जैसे आपने बोला कि आप एक स्केड्यूल बना लेते हैं, मुझे कल ये करना है 1 2 3 4 5, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए आपका रिएक्शन क्या होता है? See, it depends कि किस वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है मतलब या तो मैंने किसी पार्ट पे लेट गो कर दिया कि चलो छोड़ो, अभी मुझे अभ्यास करना था, छोड़ो मैं नहीं करता, तो रिग्रेट होएगा। तब मैं खुद को वापस से जैसे सोने से पहले इवैल्यूएट करता हूँ, तब मुझे उसका अफसोस होगा। बट अगर रेस्क्यू कॉल आ गया है मुझे किसी और की वजह से भी, दो रीजन है, एंड दैट वाज नॉट फ्रूटफुल, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब किसी रीजन के वजह से आपका कुछ डिसिप्लिन बिगड़ा भी, हाँ जी, और वो जो रीजन था, हाँ जी, वो कुछ इतना वैलिड भी नहीं था, हाँ जी, फिर आपका रिएक्शन, मैंने जैसे कि कहा आपको कि दो चीज है, अगर कर्म योग है, अगर मुझे कर्म के लिए जाना है या किसी की मदद करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे फोन कॉल्स भी आते हैं कि किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो कॉल्स पे डिस्कस करते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा किसी की तो फिर वापस से वही वाली बात है कि अपना मैं कर्म नहीं निभा रहा हूँ।
तो तब तो मुझे कोई गम नहीं होता, अगर मेरा कुछ रह भी जाता है तब मुझे गम नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैं खुद की वजह से वेस्ट कर देता हूँ या किसी कारण से वो ऐसा वेस्ट हो जाता है समय, तो थोड़ा अफसोस होता है। बट मैं हाइपर नहीं होता हूँ उस सिचुएशन में। अगर मैं हाइपर हो जाऊंगा तो फिर मैं योगी कैसे? राइट, आई वांटेड टू कम टू दिस ओनली। हाँ जी, कि गुस्सा वगैरह तो नहीं आता है आपको? नहीं नहीं आता है ना, क्यों नहीं आता? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपको गुस्सा आता होगा डेफिनेटली। हाँ जी, कि अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए, आई थॉट कि मुझे ये करना है, हाँ जी, बट मैं नहीं कर पाया, और वो रीजन भी इतना न्यूसेंस था। देखिए, हो जाता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी बकवास चीजें होती हैं, हाँ जी, जिसके वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमसे छूट जाती हैं। राइट, बहुत गुस्सा आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे आपको भी आता होगा जरूर। अगर एक शिव भक्त को गुस्सा ना आए तो वो कैसा शिव भक्त हुआ फिर? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही थी, महादेव के भक्त को हाँ जी गुस्सा तो आएगा, बस गुस्सा आएगा। बट वही है कि कहाँ गुस्सा करना है, कितना गुस्सा करना है और कहाँ शांत रहना है, वो आना चाहिए। बैलेंस, वो बैलेंस बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर जरूरी है वहां गुस्सा भी आना चाहिए, बट वो गुस्सा भी ऐसा होना चाहिए कि वो आपको हैम्पर ना कर रहा हो, थोड़े कम टाइम के लिए। कम टाइम के लिए, हाँ, मतलब आपको अगर किसी चीज का रिग्रेट बहुत लंबे समय तक हो रहा है और आप उसको लेकर के हाइपर होते जा रहे हो, गुस्से होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहा ना। शॉर्ट पीरियड के लिए आपको गुस्सा आया, आपने कंट्रोल किया विदाउट उसको किसी और के ऊपर डाले, वो भी एक बहुत जरूरी है कि आपको गुस्सा आया और आपने जो भी नियरेस्ट कोई देखा और आपने वहां निकाल दिया, मेड बी अ लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कुछ तोड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया। पहले मैं ऐसा करता था, जब मैं अपने स्कूल डेज में हुआ करता था, तब मैंने फुटबॉल खेलना ही ऐसे स्टार्ट किया था कि मुझे गुस्सा आता था, तो मैं जिस पे गुस्सा आता था मैं फुटबॉल में उसका फेस इमेजिन करता था। और ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी टेक्निक है ये। हाँ, तो मैं तभी कह रहा हूँ कि मेरा जो है ना फाउंडेशन नोइंगली अनोइंगली वो चल रहा था वैसा। तो मैं ऐसे गुस्सा करता था कि फुटबॉल में फेस इमेजिन करा और फुटबॉल को जोर से किक मारता था, और मैं जहाँ जिस बोर्डिंग स्कूल में था वहां के लैंप्स तोड़ देता था और जो पॉट हैंगिंग्स होते हैं वो तोड़ देता था, फिर वो सारा पैसा वो सिक्योरिटी अमाउंट में फिर कटता था मेरा। राइट सर, हम बात करते हैं योगा और योग की। हाँ जी, कि दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, बात तो एक है, योग वेस्टर्न टर्म में हम उसको योगा बोल देते हैं, बात एक ही है। योग आई मीन जैसे मेडिटेशन हम करते हैं, हाँ कि आप एक जगह में टोटल पीस एंड हार्मनी, जैसे हम एक बहुत फेमस मूवी है अपनी, कार्टून एनिमेटेड मूवी, कुंफू पांडा। हाँ जी, हाँ कुंफू पांडा में वो इनर पीस के बारे में बात, हाँ करते जी, हैं, राइट राइट, जिसमें ये होता है कि पीस आपके अंदर ही है और आप हार्नेस करो जो यूनिवर्स में जो पूरा फ्लो चल रहा है एनर्जी का, हाँ जी, आप उसको हार्नेस करो। वो आता है आपके मेडिटेशन में, योग में। हाँ जी, योगा इज अबाउट ऑल दोस पोस्चर्स। हाँ जी, जो आप सारे जो भी होते हैं, बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं, मुझे बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे योगा का ABCD भी नहीं आता है। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ जी, हाँ जी, तो ये दोनों के दोनों चीजें, हाँ जी, कैसे कॉम्प्लीमेंट करती, मतलब कि अगर मैं योगा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो कामनेस, और क्या जरूरी है कि मैं मेडिटेट भी करूँ उसके लिए? हाँ जी, जरूरी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका, अब दिस इज अगेन अ वेरी ह्यूज टॉपिक, मतलब अगर इसको मैं लिटरली अगर आपको पढ़ाऊं तो शायद 1 आवर भी कम पड़ेगा इसके लिए, बट मैं फिर आपको इसको नटशेल में बताऊंगा। लोग पतंजलि सिर्फ ब्रांड जानते हैं, बहुत सारे लोगों को अगर पतंजलि बोलो तो वो सिर्फ वो बाबा रामदेव जी को इमेजिन करते हैं और वो प्रोडक्ट्स इमेजिन करते हैं। बट महर्षि पतंजलि जी हैं जिन्होंने योग सूत्र लिखा है और 196 योग सूत्र हैं। उन योग सूत्र में सारी चीजों का वर्णन है। जैसे पहला योग सूत्र है, अथ योग अनुशासनम, तो यानी कि यहां से योग का अनुशासन लागू होगा। फिर ऐसे ही दूसरा योग सूत्र होता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। अब चित्त और वृत्ति ये दो चीजें, मैं घूम के आपको वहीं लेकर आऊंगा जो आपका क्वेश्चन था मेडिटेशन का और योग आसन जो आपने पूछा, मैं आपको वापस वहीं लेकर आऊंगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त जो है मन, वृत्ति है उसकी मॉडिफिकेशंस, है ना, जिसको हम बोलते हैं तरंगे, ठीक है। तो योग से चित्त जो मन की तरंगे, क्योंकि दिन में हमको हजारों थॉट्स आते हैं, तो
जो योग से है उन चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कि स्टॉप किया जा सकता है। तो जैसे हम गीता पढ़ते हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वैसे ही योग सूत्र हैं। मैं लोगों को ये भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो योग सूत्र पढ़े। योग दर्शन नाम से गीता प्रेस की एक बुक आती है, इट हार्डली कॉस्ट अराउंड 30-40 रुपीज। तो उसमें भी लोगों को जैसे गीता में जीवन के सार मिलते हैं, वैसे इसमें भी मिलेंगे। ऐसे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो 12वां योग सूत्र है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तनिरोध। अगर अब मैं इसको ब्रेक करूं तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तनिरोध है, तीन वर्ड है। तो अभ्यास से तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिस की भी एक अगर मैं बात आपको बताऊं तो एक कहावत है ना इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट अभी क्या है, राइट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, नॉट प्रैक्टिस, है ना। ये हमने बहुत सुना है बट ये मैंने एक पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि बहुत सारे योग साधक मेरे पास आते हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं, इतने वक्त से हम ऐसा बैकबेंड करने का ट्राई कर रहे हैं, या हमको 2 साल हो गया है या 5 साल हो गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा, या हमको बैक पेन कंसिस्टेंट बना रहता है, या हमको इस पोजिशन में यहाँ पेन आ रहा है। दे आर प्रैक्टिसिंग बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग राइट, और बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है चीजों में। इफ यू आर कुकिंग समथिंग तो उसमें भी एक छोटा सा मसाले का एक डिफरेंस होगा, हल्का सा पिंच जो उसको एक अलग ही स्वाद दे देगा, सी डिफरेंस आ जाता है, बिल्कुल बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो सेम डिफरेंस है प्रैक्टिस और राइट प्रैक्टिस में। तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम, तो वैराग्य से आप मतलब समझ रहे होंगे, वैराग्य राग राग। अगर राग की बात करूं मैं, वैराग्य के 2 पार्ट है, राग और विराग। राग का अर्थ होता है, जैसे आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि आप एक ही राग को आपने लगा रखा है, बार बार सेम चीज को, सेम चीज को आप बोले जा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो यानी कि वो रिपीटेशन है। और राग का एक मतलब है किसी चीज का आपको लगाव हो जाना या डिजायर हो जाना, वो होता है राग। ओके, वैराग्य, राग और विराग। विराग मतलब उससे डिटैचमेंट, विराग को ही बोलते हैं वैराग्य। तो जब कोई योग साधक या कोई व्यक्ति अभ्यास करता है वैराग्य का, उसको जो है लाइफ में जो अटेन करना होता है वो उसको तभी मिलता है। सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इजंट इट। मतलब जैसे अगर वही मैं आपका एग्जांपल कोट करूं यहाँ पर, हम देखते हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, एवरीबडी माइट बी गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम पेजेस, वो बोल रहे होंगे अरे गुरु जी ये कर रहे, आचार्य जी ये कर रहे, आज आचार्य जी ने ऐसे करा वो करा, लेकिन बहुत कुछ आपको छोड़ना भी पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट या एक दो चीजें ऐसी बता पाए, बिकॉज योगा हैज गिवन यू एवरीथिंग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये गलत नहीं होगा कहना कि योगा इज लाइफ फॉर यू, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसने बहुत कुछ लिया भी होगा, बहुत कुछ नहीं भी तो कुछ कुछ तो लिया होगा। नहीं, टू बी वेरी ट्रू, सैक्रिफाइसेस योगा ने तो मुझे कभी कुछ नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। लाइफ में सैक्रिफाइसेस दूसरी चीजों के हुए हैं, जैसे जब मैं अपने कॉलेज पीरियड में था तब उस समय ये होता था, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सैक्रिफाइसेस नहीं हुए, वो सपोर्ट हुआ। जैसे बीइंग इनटू स्पोर्ट्स, तो मैं जब 12th स्टैंडर्ड से पास आउट हुआ उसके बाद ही मैं जस्ट स्कूल में अपॉइंट हो गया था अपने स्कूल की टीम का कोच, एज अ कोच, कोच है ना। तो उस समय मुझे म्यूजिक का शौक लगा, बट पैसे और शौक ऐसा है कि आप अपने खुद उससे करो तो अच्छा लगता है, मतलब पेरेंट्स के पैसों से नहीं, मतलब आप अपने शौक बड़े बड़े रखते चले जाओ और पेरेंट्स से पैसे लेते जाओ, दैट्स नॉट गुड। बहुत बड़ा मैसेज है ये, स्पेशली आज के यूथ के लिए तो बहुत बड़ा। हाँ जी, तो जितने भी आपके शौक है आप अपने पैसों से पूरा करो। तो जो भी मैं अर्न करता था अपने स्पोर्ट्स से वो मैं म्यूजिक में डालता था, मेड बी क्लास मेड बी इंस्ट्रूमेंट, वो ऑब्वियसली पूरा तो नहीं पड़ता था, पेरेंट्स से थोड़ा लेना पड़ता था, बट थोड़ा मेरी पॉकेट से आता था। फिर कुछ वक्त बीता, फिर मेरा स्पोर्ट्स का जॉब रुक गया, फिर मैं म्यूजिक
मैंने इतना सीख लिया कि मैं शोज करने लग गया, फिर जो पैसा शोज से आने लगा वो पैसा स्पोर्ट्स में जाने लग गया कि मुझे स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं, मुझे फुटबॉल शूज खरीदने हैं। तो मेरी चीजों ने ना हमेशा लाइफ में बैलेंस किया और मैंने खुद को हमेशा बैलेंस किया। जो मेरे जीवन का एक मूल सिद्धांत है वो है बैलेंस। तो गुरुजी, अगर हम बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की या किसी की भी स्पिरिचुअल जर्नी की, मेडिटेशन करना आजकल हर कोई बोलता है कि आप मेडिटेट करो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब बोलते हैं ना फूड फॉर योर सोल, अपनी आत्मा को भी आप कुछ दो, कुछ एनर्जी दो। बिल्कुल। सो मेडिटेशन इज द ओनली आंसर फॉर इट, ऐसा रहता है। तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए कि क्या है मेडिटेशन, बिल्कुल एक लेमैन के लिए, मतलब आप समझिए कि जिसको कुछ भी नहीं पता है मेडिटेशन के बारे में, आप उसको कैसे गाइड करते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ मेडिटेशन को लेकर, बिकॉज आई गेट मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कि मेडिटेशन कैसे करें और हमको तो सिर्फ मेडिटेशन करना है ना। और अक्सर डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, कि आप मेडिटेट करो। और ये बड़ा ट्रेंडी टर्म है, अगर आप सोशल मीडिया पे या इफ यू गूगल अगर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो बहुत ट्रेंडी टर्म है। बट मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूं, आप अगर कुछ खाना खाते हैं, मानिए इफ यू आर हैविंग सम फूड, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? आप कुछ करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए? आप बताओ, अगर आप कुछ खाना खा रहे हो उसके बाद आपको कुछ करना पड़ेगा? नहीं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके बॉडी ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके एंजाइम्स, जो भी एसिड सिक्रीट होना है वो सिक्रीट होगा और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो मेडिटेशन जो है वो करने की कोई चीज है ही नहीं, मेडिटेशन एक स्टेट है, एक अवस्था है जहां पर आप पहुंच जाते हो। अब कैसे पहुंचते हो आप? उसका एक मार्ग है, अष्टांग योग। अच्छा, अष्टांग योग अब मैं आपको बताता हूं। एट लिम्स ऑफ योगा, जिसमें मेडिटेशन आता है सेवेंथ पे, जैसे स्कूल में स्टैंडर्ड होता है फर्स्ट टू एट, वैसे ही योग की अगर मैं बात करूं तो एट स्टैंडर्ड है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि है यम। पांच तरह के यम होते हैं, अपरिग्रह, अस्ते, अहिंसा। अब अहिंसा की बात करूं, नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस से इंसान को लगता है कि सिर्फ मारने और उसकी बात है कि हम हाथ नहीं उठाएं, लेकिन अहिंसा विचारों से भी, कि आपको विचार भी वैसे नहीं आए। तो अक्सर लोग जो हैं वो यम नियम को ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं होती, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ही क्लियर नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पांच तरह के यम होते हैं, पांच तरह के नियम होते हैं। नियम में आता है आपका शौच, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस फिजिकल भी और मेंटल भी। आपके विचार भी साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नहा रहे हो, सब है, ब्रश कर रहे हो, आप बोलो कि ये हो गया, वो 50% हुआ, लेकिन आपके विचार तो साफ नहीं है। तो ऐसे ही शौच, फिर संतोष, कंटेनमेंट, जो भी आपके पास है, फिर तप, डिजायर। उसके बाद है आपका ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को आपने समर्पण कर दिया। स्वाध्याय, खुद की स्टडी करना, जो कि सब मिस आउट कर जाते हैं, खुद को जानते नहीं है। सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, खुद को नहीं जानते, क्योंकि स्वाध्याय करते नहीं है। तो अक्सर लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद जाके आते हैं आसन, जो कि फिजिकल एस्पेक्ट, योग आसन, जो सारे योग आसन। क्योंकि अगर आप योग की बात करें तो इंसान के सबसे पहले मन में आता है कि कोई टेढ़ा मुड़ रहा है, कोई इधर से मुड़ रहा है। एग्जैक्टली वही होता है, सूर्य नमस्कार बस, और ये करना, ऐसा करना, मैट के ऊपर यही रहता है। देखिए, जिसको अगर योग जिसने सुना उसके दिमाग में पोस्चर्स आते हैं सिर्फ, कि योग का मतलब है सिर्फ आसन करना, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो योग सिर्फ आसन नहीं है, वो तो सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद फोर्थ पे जाकर आता है प्राणायाम, वो भी लोग थोड़ा थोड़ा कोविड के बाद से ज्यादा जानने लगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद फिफ्थ पे आता है प्रत्याहार, यानी कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस। फिर आता है धारणा, आपने किसी चीज को धारण किया। जब तक आप धारण नहीं करेंगे, जैसे आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह जाना है, अगर आप उसको धारण नहीं करेंगे
अगर कोई जो राइफल शूटिंग में कोई है, अगर उसके पास एम नहीं है कि उसको किधर फायर करना है, वो कितनी देर लेते हैं? चाहे अगर गोल्फ की मैं बात करूं स्पोर्ट की, तो वो कितना देर लगाते हैं उसको देखने में? वो होल को देखते हैं, बॉल को देखते हैं, होल को देखते हैं, बॉल को देखते हैं, वो धारण करते हैं उस चीज को. उसके बाद सेवंथ पे आता है ध्यान, और फिर एट्थ समाधि. अच्छा, ये है अष्टांग योग. तो अब व्यक्ति बात करता है कि मुझे तो भाई सीधा मेडिटेशन करना है, सेवंथ स्टैंडर्ड चाहिए मुझे डायरेक्ट. या तो आप गिफ्टेड ही हो गए ऊपर से, या तो आपको आशीर्वाद होगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल बहुत कम केसेस में होता है. क्योंकि अगर आप मानिए, आप ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप अभ्यास कर सकते हो उस अवस्था में जाने का, आप अभ्यास कर सकते हो. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेडिटेशन का प्रयास ही ना करो, ये बात सुनकर आप अभ्यास कर सकते हो उसका. लेकिन अगर आपके यम नियम क्लियर नहीं है, मतलब आप बैठ गए हो लेकिन अगर आपके मन में विचार चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया ईश्वर प्राणिधान, अगर आपने ईश्वर को समर्पण नहीं किया है ना, आपने स्वाध्याय नहीं करा, आपके मन में लालच है, आपके मन में ये सब है, तो आपके ख्याल अब फ्री कैसे होगे? और अगर आपने आसन का अभ्यास नहीं करा तो आप एक अवस्था में बैठ नहीं सकते. लोग बैठ जाते हैं फिर विद इन अ मिनट कभी पीठ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर हाथ इधर, फिर इधर, कभी पैर आगे जाएगा, पैर पीछे जाएगा, क्योंकि उनकी मसल्स ये रेडी नहीं है. पैर सो जाते हैं, पैर सो जाते हैं, तो आप बैठ नहीं पा रहे हो. पहले तो ख्याल अटक गए, फिर शरीर साथ नहीं देगा अगर आपने आसन नहीं साधे, फिर प्राणायाम. प्राणायाम भी करने की चीज नहीं है, प्राणायाम भी होने की चीज है. आपको श्वास के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं, अभी ऑटोमेटिकली आएगा, हो जाएगा, तो वो करने की चीज नहीं है. बट आप उसका अभ्यास कर सकते हो, उसकी एक्सपेंशन का. क्योंकि हमको जो जीवन मिला है वो श्वासों से मिला है, उम्र से नहीं मिला है. इसीलिए जो डॉग है वो बहुत, उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है. एक टर्टल है वो बहुत सालों तक जीता है. ऐसे जो हम बात करते हैं लोग सतयुग में, जो पुराने, अगर मैं पुराने समय में जाऊंगा तो लोग बहुत जिया करते थे, बहुत लंबा लंबा एज रहता था. वो किस लिए रहता था? क्योंकि वो नोइंगली अननोइंगली उनके ब्रेथ्स पे कंट्रोल था. अभी डॉग है वो एक बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल. तो अगर आपका ब्रेथ पे भी कंट्रोल नहीं है तो आपकी वो नॉइज से ही आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता चला जाएगा. तो आप सोचो कि कितना कनेक्टेड है, कि आपने यम नियम आसन प्राणायाम, जब ये चारों चीजें हो जाएगी तभी फिर आपके सेंसेस का विड्रॉल होगा, प्रत्याहार. फिर आप धारण कर सकोगे कुछ, फिर आप ध्यान लगा सकोगे, और फिर समाधि की ओर पहुंचोगे. सो इट्स लाइक अ फ्लावर ऑफ योगा, इट्स अ ट्री ऑफ योगा कंप्लीट. तो किसी को रूट, पहले रूट होता है, ब्रांचेस होते हैं, ट्विग्स होता है, लीफ होता है, सबको फ्लावर चाहिए, दैट इज मेडिटेशन. और सबको समाधि चाहिए, दैट इज फ्रूट. तो जब तक आप बीज नहीं डालोगे, सब नहीं करोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, कैसे आपको फ्रूट मिलेगा, कैसे फ्लावर मिलेगा? तो ये एक मिसकंसेप्शन है मेडिटेशन को लेकर बहुत बड़ा. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और आपने इतने इजी तरीके से एक्सप्लेन करा, ऑल्दो यू सेड कि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, हां जी, बट मतलब बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करा. मतलब इट वेंट हियर, मतलब मुझे अपने टीचर्स याद आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, सो आई कुड रिमेंबर ऑल माय टीचर्स. सो थैंक यू वंस अगेन इतनी अच्छी बातें बताने के लिए. अब सर, हम अगर बात करते हैं, आप एक योगा थेरेपिस्ट भी हैं, हां जी, तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, हीलिंग प्रॉब्लम्स को लेकर के. तो आपने क्या देखा है चेंज, जो एक पैटर्न में एक चेंज आया है ओवर द इयर्स, इस तरह की प्रॉब्लम लोग ज्यादा फेस करते थे, अब इस तरह की फेस करने लगे, प्रॉब्लम किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, ये कुछ आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं आपके? सी, अभी जो है अब एक प्रॉब्लम नहीं रह गया, अब बहुत सारे प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम से दूसरा एसोसिएट होने लग जाता है, अगर आपके बॉडी में कोई एक ऑर्गन खराब है, उस ऑर्गन का लोड किसी और ऑर्गन पे तो आएगा. अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, किसी एक व्यक्ति का एक नी में प्रॉब्लम है, से राइट नी में प्रॉब्लम है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि वो लेफ्ट नी पर ज्यादा वेट डालने लगेंगे, लेफ्ट लेग पे वो ज्यादा वेट लेने लगेंगे, कुछ समय में लेफ्ट नी पर भी पेन आने लग जाएगा.
तो चीजें इस तरीके से कनेक्टेड है। अब क्या है, स्क्रीन टाइम यूज बहुत ज्यादा हो गया है। स्क्रीन टाइम यूज की वजह से लोगों को एक तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम, क्योंकि हेड ज्यादा नीचे रहता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। अब लोगों को बैलेंस करना नहीं आता है, तो वो देर रात तक स्क्रीन यूजेज, और अब जिनके वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं उनको अपना 8 घंटा 9 घंटा तो जो है वो लैपटॉप के आगे या किसी बड़ी स्क्रीन के आगे रहना है, मीटिंग्स है या उनके जो भी वर्क है उनको करना है। उसके बाद उनका फोन का यूज अलग है, जो उनको थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए और उसके लिए उनको यूज करना है, या अपने काम के लिए भी करना है। तो उससे सर्वाइकल का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सब बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता है, प्रॉपर स्लीप नहीं होता। तो आजकल मैं जो है आ रहे हैं कंप्लेंट्स मेरे पास, लाइक 15, 16, 17 ईयर्स की गर्ल जो है उनको पीसीओडी पीसीओएस डिटेक्ट हो रहे थे जल्दी। जिनका बॉडी वेट अराउंड 50 है उनको, 45-50 है उनको लोअर बैक पेन हो रहा है। ओह गॉड, जब बॉडी वेट भी नहीं है, कुछ हैवी उठाया भी नहीं, फिर कैसे आ रहा है? क्योंकि आज के टाइम पर उनको सोशल मीडिया से ही बहुत सारा एंग्जाइटी मिल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो इधर घूम रहे हैं, हम तो नहीं जा पा रहे। तो चीजों को लोग अब ना उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोग अब खुशी से नहीं जीते। मैं बहुत यात्राएं करता हूं, मैं बहुत ट्रैक करता हूं, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान भी जो लोग मुझे मिलते हैं, पहले क्या क्या होता था, जब मैं आज से 15 साल पहले ट्रैवल करता था, तब मैं प्रेफर करता था मैं रात को ट्रैवल करूं, सो दैट मुझे बात कम करने को मिले, मैं सो जाऊं। अब मैं प्रेफर करता हूं मैं दिन में थोड़ा ट्रैवल करूं, क्योंकि दिन में लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मैं उनकी बातों को ऑब्जर्व करता हूं, समझता हूं कि चल क्या रहा है, मतलब कि क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि उसने ये किया था तो मुझे करना है। तो अब कॉम्पिटिशन हो गया है, अब खुद की खुशी के लिए कुछ नहीं होता है, अब कॉम्पिटिशन के लिए सब होता है। तो इस वजह से अब डिफरेंट प्रॉब्लम आने लग गई हैं। प्रॉपर स्लीप नहीं होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लग गया है। ईटिंग हैबिट की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओडी पीसीओएस बताया मैंने आपको, ईटिंग इट्स यस, डायबिटीज अगेन फूड, तो इसका बहुत आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। राइट, यस, इट्स एक्चुअली अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम ये अपने आ रही है। हाँ जी। और आने वाले सालों में जहां तक मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई ही होगी, है हाँ कम तो नहीं होगी। हाँ जी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर म्यूजिक लाइफ, है ना, आप गाने भी गाते हैं, इनफैक्ट आप गिटार भी प्ले करते हैं। म्यूजिक और हीलिंग, इसका कोई कनेक्शन है? मतलब कभी होता है ना कि सपोज आप किसी योगा आसन में आप बैठे हुए हैं या आप योग कर रहे हैं, तो कोई म्यूजिक है जो ऐसे चलता है दिमाग में, म्यूजिक नहीं भी चल रहा हो लेकिन फिर भी कभी कोई म्यूजिक है ऐसा जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है? हाँ, पूरा दिन जो है मेरे दिमाग में ओम चैंट चलता रहता है। अच्छा। क्योंकि जो योग सेंटर है उसमें पूरा दिन ओम का चैंट चलता रहता है, मतलब जब सब योग अभ्यास भी कर रहे हैं, चाहे ट्रीटमेंट सेशन भी चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा है, योग जो है ओम का जो है उच्चारण पूरा समय चलता रहता है। तो कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं उधर ही रहता हूँ, तो टॉप फ्लोर पर योगा सेंटर है और मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि जब सेंटर का वर्किंग आवर्स नहीं है, मैं नीचे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर स्पीकर ऑन तो नहीं रह गया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पीकर ऑन रह गया है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बजता ही रहता है, वही रेजोनेट होता रहता है, और वो इतना पावरफुल है कि वो मेरे दिमाग को हमेशा शांत रखता है। राइट, ओम ओम, क्योंकि वो वही वही एक यूनिवर्स का वही एक साउंड है। राइट, आप नेचर के भी बहुत क्लोज हैं। हाँ जी। क्या कनेक्शन लगता है आपको नेचर के साथ है आपका? नेचर से मैं बहुत समय से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो नेचर से मेरा एक हमेशा से अलग ही जुड़ाव रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है, जो कण कण है, वो शिव है। तो मैं चाहे एक ये एक आसन भी है, मैं इस पे बैठा हूं, तो मैं उठने के बाद मैं इसको भी प्रणाम करूंगा कि इतनी देर तक इसने मेरा भार झेला है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, तो कण कण में शिव है, और आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हो जीवन में। तो नेचर भी मेरे लिए उसी तरह से, मैं जिधर भी जाता हूँ, चाहे मैं
बहुत ट्रैक्स करता हूँ, बहुत एल्टीट्यूड पर जाता हूँ, वहाँ मुझे बड़े विशाल वृक्ष दिखते हैं, तो आप आइडिया लगा लेते हो उनके जिस तरीके से है कि कितना एज होगा इस पेड़ का। हमको शहर में तो नहीं दिखते हैं क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ तो कट कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, सोचते नहीं है कि कितना समय लगा होगा इसको ग्रो होने में। अभी धूप होगी बारिश होगी तो ढूंढेंगे पेड़ ही छुपने के लिए, लेकिन काटेंगे भी उसको जल्दी, पहले उसी को काटेंगे। तो मेरा नेचर से शुरू से ही वही कनेक्शन रहा है कि मुझे वहां जाकर एक ग्रीन थेरेपी भी है वो। तो नेचर देता ही है हमेशा, नेवर डिमांड्स एनीथिंग। बिल्कुल, उसके उसको जिस फ्लो में जाना है जाने दो, इट्स दैट ओनली। हाँ जी। बट सर हम बाकी में मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है व्हेन आई फाइंड कि लोग इतने ग्रीडी हो गए, इतने लालची हो गए कि दे डोंट बॉदर फॉर एनीथिंग। उनके सामने दो लोग भी मरे गिरे हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस सड़क चौड़ी करनी है। जैसे आपने बोला पेड़ काटना तो सबसे पहले उनका एजेंडा होता है। हाँ जी। पॉल्यूशन आप देखो जरा, एक घर में तीन तीन चार चार पांच पांच गाड़ियां खड़ी रहेंगी और जो वो उसके अंदर फ्यूल डालेंगे और जो उस धुएं को उड़ाएंगे। हाँ जी। इतना सा भी नहीं सोचते वो, एक बार इतना शिकन भी नहीं आती, मतलब उनको एक बार अफसोस भी नहीं होता कि यार इतना पॉल्यूशन करा हमने, पानी की बॉटल पी और ऐसे फेंक दी। मुझे तो बोलते ना एकदम आत्मा में बिल्कुल लगता है कि स्ट्राइक हो जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या नॉनसेंस है ये। उनको बिल्कुल भी दुख नहीं होता, मुझे लगता है या तो मैं कोई अलग ही जीव हूँ धरती के ऊपर या पता नहीं क्या है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर बहुत हालत बहुत खराब है ओवरऑल जो भी हम बोले। हाँ जी। एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ का छोड़िए, मैं यात्राओं पर जाता हूँ तो वहां पर भी लोग नहीं छोड़ते मुझे। जब मैंने अपनी पहली यात्रा स्टार्ट करी थी आज से 7-8 साल पहले, तब मैं जब वहां पहुंचा था, पहुंचते ही मुझे मैंने यात्रा प्रारंभ करी और मुझे इतना सारा प्लास्टिक बॉटल रैपर दिखा, उस समय बहुत गुस्सा आया। उस समय मैं योग नहीं करता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था एकदम से। और मैंने यही सोचा कि मैं ये सब तो नहीं देखने आया था इतनी दूर, ये देखना था तो शहर में दिख ही रहा है मुझे, ये तो नहीं देखने आया था। ये मुझे ऐसा विचार आता है कि मतलब लोग इतनी दूर आकर भी ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इसको हम गंदा करके चले जाए। तब मैंने वहां पर पहली बार क्लीनिंग स्टार्ट करा था और वो भाव फिर कनेक्ट होता चला गया। और अब मेरा यही ट्राई रहता है कि आज मैं सबको भी ये रिकमेंड करता हूँ, मैं जिनको जानता हूँ, कि आप घर से निकलते हो तो आप एक छोटा बैग कैरी करो। उस बैग के अंदर आप थोड़े से और पॉलिथिन कलेक्ट कर लो। राइट। और मेरा तो ये भी हैबिट है कि अगर मेरे पास घर में कुछ पॉलिथिन इकट्ठे हो गए हैं तो जहां से किराने का सामान आता है या मैं जहां से फ्लावर लेकर आता हूँ मैं उनको दे आता हूँ कि भई आप इसको वापस रिसाइकिल कर लो रादर देन पैकेट से नया निकालने का। मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप भाई मेरे को इतना पॉलिथिन मत दो क्योंकि दे कीप ऑन पैकिंग ऑलरेडी, एक अगर ब्रेड लोगे एक पैकेट में है फिर वो एक और पैकेट में डालते हैं, फिर उनको मैं मना करता हूँ नहीं डोंट डू दिस। तो बोलते हैं कि आप मना कर रहे हो, अगर हम लोगों को नहीं देना उनको ऐसा फील होता है कि अरे पॉलिथिन नहीं दे रहे आप, ये तो फ्री की चीज है। बट वो ये नहीं सोचते कि पॉलिथिन किस तरीके से नेचर को और कल को घूम कर किस तरीके से आपको और आगे आने वाली जनरेशन को हार्म करेगी, क्योंकि वो इतनी चेतना है ही नहीं। वही है ना, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे ही आप नहीं पहुंच पाए। मैंने जैसे आपको अष्टांग योग में बताया, वो चेतना उतनी जागी ही नहीं है अभी तक कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे एक्शंस के कितना हमको रिस्पॉन्सिबल होना है। हमको जब वो चेतना आ जाएगी तभी शायद दुनिया में सब अच्छा होने लगेगा, कुछ बदलाव आएगा, तब बदलाव आएगा विद अ पॉजिटिव नोट। बिल्कुल। सर नाउ लाइक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ द एपिसोड, एक रैपिड फायर राउंड रहता है हर हमेशा हमारा। अच्छा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे फटाफट पूछूंगी और आप भी फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा। चलिए, सो इफ यू से, हाँ जी, मैं स्टार्ट करूं सर। हाँ जी। ठीक है। तो फिर गुरुजी पहला क्वेश्चन ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने शुरू में योगा स्टार्ट करा आप किसी आसन में बैठे हुए और नींद आ गई? हाँ जी, हाँ जी, होता है, होता है, इनिशियल में होता है और अभी भी होता है ऐसा कभी कभी। अच्छा, हो जाता है। इट्स अ कॉमन थिंग, लाइक कॉमन थिंग। हाँ, मतलब इसके बारे में ऐसा कुछ वो नहीं सोचना कि मुझे नींद आ गई, और अक्सर ऐसा शवासन में भी होता है कुछ लोगों को। okay. आ जाता है, बट दैट्स नॉट बैड, कोई बात नहीं। ओके ओके। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए एक ही सॉन्ग सुनना हो अब, कि आपको यही सुनना है बस, आप कौन सा सुनोगे? ओम नमः शिवाय। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं, आप ट्रैवल बहुत करते हैं। हाँ, और जैसे आपने बोला कि डिसिप्लिन, मगर आपको योग आसन करने तो आप करेंगे ही करेंगे। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि काफी छोटी सी जगह में आपको योग आसन करना पड़ रहा है और परेशानियों के बाद फिर भी आपने करा? हाँ जी। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था तो आप?
हाँ, इंसिडेंट ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, बट हाँ मैं जैसे यात्राएं करता हूँ तो जितने भी मैं टेंट्स में रुकता हूँ, मैं छोटा होता है कुछ बड़ा होता है क्योंकि आप टेंट में रुकते हो, तो मैं वहां पर भी जो है मैं अपने कुछ बेसिक स्ट्रेचेस हैं जैसे जानुशीर्ष आसन है, उत्तान आसन है या सूर्य नमस्कार है, क्योंकि सूर्य नमस्कार खुद में पूर्ण है बहुत। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आसन नहीं आते हो, अगर सूर्य नमस्कार को ही अच्छे से करना सीख जाए एक व्यक्ति तो वो बहुत लाभ ले सकता है उससे, उसकी पूरी बॉडी जितने भी स्ट्रेचेस होने रिक्वायरमेंट, स्पाइन का जो मूवमेंट रिक्वायर्ड है वो सब हो जाता है। तो मैं जब भी यात्रा करता हूँ मैं कभी भी ऐसे बैठता नहीं हूँ, मैं हमेशा चलने के बाद में मैं अपना जब भी टेंट में बैठता हूँ या टेंट में नहीं भी बैठता हूँ, से मुझे अभी यात्रा कंटिन्यू करनी है, कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो मैं कुछ ऐसे आसनास होते हैं जो मैं खड़े खड़े कर लेता हूँ वहां पर, सो दैट मेरे शोल्डर्स रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि बहुत भारी बैग होता है तो उसको भी आपको रिलीज करना होता है, लेग्स के मसल्स को भी रिलीज करना होता है। तो ऐसे कुछ आसन है, पार्श्वोत्तान है, जानुशीर्ष आसन है, मैं वहां कर लेता हूँ। कार्टून्स का शौक था, कार्टून्स का शौक था पहले, बट अब तो ऐसा नहीं रहा है। पहले बहुत पहले आया करता था रिसेस नाम से। अच्छा। हाँ, वो मैं देखा करता था। अच्छा। बट और हाँ, डक टेल्स होता था, टेल्स पेन आता था, टॉम एंड जेरी तो सबका फेवरेट रहा है। तो अगर किसी फिक्शनल कैरेक्टर को, हाँ जी, आपको कोई योगा आसन सिखाना हो तो कौन सा सिखाओगे फिर आप, और किसको सिखाओगे? मैं मेरा जो भतीजा है वो देखता है शिनचैन। अच्छा। और शिनचैन बहुत नोटोरियस है ना, तो आप उसको सिखाओगे? उसको मैं बैलेंसिंग आसन, वृक्ष आसन और ऐसे आसन सिखाना चाहूंगा जिससे उसका ध्यान और फोकस थोड़ा रहे। ग्रेट। बट उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा फिर। हाँ, फिर वो शिनचैन शिनचैन नहीं रहेगा। एंड बेस्ट योगा आसन जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, आप बहुत रिलेट कर लेते हैं कि यार ये वाला आसन मेरी तरह ही है। मुझे शीर्ष आसन बहुत अच्छा लगता है, हेड स्टैंड जिसको कहते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है वो। हाँ, वो डिफिकल्ट होता है, आप उसको सीख सकते हैं, कुछ टेक्निक से ट्रिक से आप सीख सकते हैं, आप उसको साध सकते हैं। और उसमें क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। अच्छा। और वो आसन, उसको किंग ऑफ आसनास बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड तीनों एक्टिवेट होता है, तो जो आपके बॉडी में हार्मोन इंबैलेंस होता है वो उस पर भी काम करता है। तो इसी वजह से मेरा जो फेवरेट है वो शीर्ष आसन, पूरा अपसाइड डाउन। हाँ, अपसाइड डाउन जिसको हेड स्टैंड बोलते हैं। तो और उसके अंदर फिर मल्टीपल जो है वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। सालंब शीर्ष आसन होता है, आप हाथों को रिलीज कर देते हैं, आप हेड पे आ जाते हैं और सिर्फ हाथों पे ट्राइपॉड बना लेते हैं। राइट। तो वो मेरा फेवरेट है। हम अगर बात करें शिव की, हाँ जी, शिव इज एवरीथिंग। हाँ जी, मैं भी बहुत मानती हूँ शिव को, शिव की शक्ति को। हाँ जी, और उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है। हाँ जी, कैसा कनेक्शन है आपका और शिव जी का? मैं जो हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, मेरे जो गुरु हैं, पहले गुरु वो शिव ही हैं, इसीलिए उनको आदि गुरु बोला जाता है, आदि योगी बोला जाता है। आदि योगी भी इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जो योग है वो शिव जी ने ही किया था, और उन्होंने जो अष्टांग योग है वो माता पार्वती को पढ़ाया था, समझाया था, कराया था। ओके, राइट। तो किस तरह से आप आराधना करते हैं? देखिए, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं इस तरह से शिव जी को याद करता हूँ या जिसको मैं मानता हूँ मैं उसके तरीके से उनको याद करता हूँ। आपका क्या तरीका होता है? शिव जी की आराधना के बहुत बहुत तरीके हैं, वो बहुत कुछ मांगते नहीं है। आपका अगर एक साफ मन है और आप उससे एक लोटा जल भी उनको चढ़ा देंगे तो भी उनको स्वीकार है। उनको नहीं कि आप उनका रुद्र अभिषेक करो और बहुत कुछ करो, लेकिन अगर आपका मन साफ है और आपने उनको एक लोटा जल भी चढ़ा दिया साफ मन से, तो भी वो उनको स्वीकार है। बस आपका मन साफ होना चाहिए और आपके विचार साफ होने चाहिए, आप उन किस भाव से आप उनको जल चढ़ा रहे हैं। मैं अक्सर बेलपत्र उनको चढ़ाता हूँ, तो बेलपत्र जो है जब आप वो चढ़ाते हैं तो उस समय आप एक मंत्र है उसका उच्चारण आप जो है कर सकते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं चे त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये आप उच्चारण करके उनको एक बेलपत्र चढ़ा सकते। तीन, नंबर थ्री जो बार बार इस मंत्र में भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और बेलपत्र भी वो जो प्रॉपर होता है उसमें तीन आपके, हाँ जी, हाँ जी, होने चाहिए। हाँ जी, पत्ते होते। हाँ जी, हाँ जी। राइट राइट। अब एक और चीज मेरे दिमाग में थी, मैं पूछना भूल गई थी। हाँ जी। ये टैटूज
ये टैटूज की थोड़ी सी हिस्ट्री आप मुझे बताइए। मतलब मैंने देखे काफी सारे टैटूज आपके बने हुए, यहाँ पे तो पूरा नेचर ही है ऑन योर राइट साइड विद बर्ड्स, फ्री बर्ड्स मूविंग अराउंड, और उधर पे शायद म्यूजिक नोट्स हैं, ऐसा कुछ है। हाँ जी राइट। तो ये मतलब आपको शौक है, कैसे क्या कब स्टार्ट हुआ ये जर्नी टैटू वाला? ये भी आप मानिए कि हो गया इस बात को आज से 8-9 साल, जब मैंने अपना पहले छोटा सा एक म्यूजिक सिंबल बनाया था और फिर मैंने एक छोटा सा म्यूजिक कोट लिखवाया, वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स, जब मैं म्यूजिक सीख रहा था उस समय का है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जर्नी होता गया, फिर मेरे पैर पे मेरा जर्सी नंबर है 10 जो कि है, मुझे मैं उसी जर्सी नंबर से खेला करता था, मैं आज भी खेलता हूँ तो मैं वही जर्सी प्रेफर करता हूँ, तो बस वो जो है वो चीजें कनेक्टेड फील करती हैं उसके पास रहना। तो इसी तरीके से मैंने अपने टैटूज जो है बनवाए हैं। अब इनका भी अलग सिग्निफिकेंस है, अभी मेरे पास जो है ये राइट हैंड में नेचर का है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इधर ट्री है, पाइन ट्रीज है, पाइन ट्रीज है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे विदाउट लीव्स है, विदाउट लीव्स है, ये ड्राइड है, ये ड्राई ट्री है। तो अगर आप इसको शॉर्ट उसमें देखेंगे तो ये सर्कल है लाइफ का, सो इट्स लाइफ हियर। ओके, गॉट इट राइट। तो एजिंग है, और फिर कहीं ना कहीं है बर्ड्स, ये शो करती है लिबरेशन। तो जो मेरे इधर है पीछे, ये मोक्ष का एक टैटू है बर्ड का, सो एक बर्ड उड़ रहा है और वो चला गया मोक्ष प्राप्ति। तो आपको उस लाइफ एंड बर्थ के सर्कल से जो है वो निकलना है, दैट इज मोक्ष। तो आप वही चीजों को अपने ऊपर बनवाना प्रेफर करते हो, और एक कमिटमेंट होता है टैटू भी। ऐसा नहीं कि आप किसी एक एज पर हो, आपको कुछ अच्छा लगा आज आपने बनवा लिया और आपको 2 साल बाद 5 साल बाद उसका रिग्रेट हो रहा है कि ये क्या था। तो टैटू बनवाने के पीछे भी आपका एक रीजन होना चाहिए, आप थोड़ा सा उसको स्टडी करें, खुद के ऊपर इमेजिन करें कि आज मैं ये बनवा रहा हूँ, क्या ये 10 साल बाद भी मुझे अच्छा लगेगा, क्या ये 20 साल बाद भी मुझे एक्सेप्टेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए और मुझे ये छुपाना पड़े किसी उस चीज से। नहीं, आजकल करते हैं ना अपने हाँ, का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, फिर कुछ महीने बाद आते हैं, फिर उसको हटवाते हैं, देन दे गेट अ न्यू वन। तो ये तभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज हमेशा बनवाएं और ऐसा ही बनवाएं, क्योंकि मैंने भी जितने टैटूज बनवाए हैं बहुत स्टडी करके, बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मैंने आज गूगल किया और ये अच्छा लगा डिजाइन बनवा लिया, ये ट्रेंडी है तो चलो कर, ट्रेंडी है तो कर लो। आपने पहले उसको जैसे का साधना उस साधना मतलब उस टैटू को मैंने अपनी बॉडी पे इमेजिन कर लिया बहुत समय तक कि हाँ ये मेरी बॉडी पे अच्छा लग रहा है और मेरी पर्सनैलिटी को रिलेट कर रहा है और ठीक रहेगा, मुझे ये आज से 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद भी एक्सेप्टेबल होगा, तब उसको आप अप्लाई करें, तब बनवाए। तो वो एक कमिटमेंट, वो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। फाइनली गुरु जी, आई जस्ट वॉन्ट कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। जो मेरे भी लाइफ का एक सिद्धांत रहा है, या मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो है लाइफ में बैलेंस ढूंढे, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में जहां आप रह रहे हैं वहां पर आप सब चीजों का त्याग तो एकदम से नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं अगर आज आपको बोलूं कि आप सात्विक भोजन पे आ जाएं, आप सब छोड़ दें, आप कुछ भी चीजें ना खाएं और वैसा जीवन जिए, तो शायद 1,000 में से 2 या 3 व्यक्ति होंगे जो वो कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, और वो डर जाएंगे कि ये मार्ग तो हम चुन ही नहीं सकते, तो हमको उस गली नहीं जाना है। बट मैं वही बात बोलूंगा कि आप बैलेंस ढूंढे, चाहे आप लाइफ में कुछ खाने से रिलेटेड है सो दैट आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आपको खाना है आप वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार, आप हो सकता है महीने में एक बार, आप जो चीज अच्छी लगती है आप खाएं, तो ये ईटिंग हैबिट का बैलेंस है। सेम विचारों का बैलेंस है, सेम चीज आप जो चीजों को जीवन में जिनका डिजायर रखते हैं कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, क्योंकि ये जो डिजायर्स हैं सारे ये चेन है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोहे की जंजीरें हैं, क्योंकि एट द एंड आपको जाना तो लिबरेट ही होना है, तो जितनी ज्यादा आप जंजीरें बांधेंगे उतना लिबरेशन में तकलीफ होगी आपको।
तो इसी वजह से जितना हो सकता है चीजों का मोह रखना, चीजों को मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी पहन लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, और उस व्यक्ति पे सिर्फ मेरा ही हक हो, तो ये जो डिजायर्स हैं सारी चीजों का बैलेंस जिस दिन आपने बना लिया, क्योंकि जब हम योग में भी जो सबसे पहली स्थिति है जिसमें हम खड़े होते हैं उसको बोलते हैं समस्थिति, यानी कि सम भार, इक्वल वेट आपके दोनों पैरों पर। तो जब आप बैलेंस बना लेंगे जीवन में इन सारी चीजों का, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नैया है वो पार लग जाएगी। राइट सर, अभी जैसे आपने बोला लिबरेशन की बात, वाकई में कई सारी आत्माएं लिबरेट ही नहीं हो पाती हैं। हाँ जी, और फिर वही घूमते रहते हैं। हाँ जी, भूत बन के। हाँ जी, आत्माएं बन के। हाँ जी, लिबरेशन बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दिस फ्रॉम आवर टीम, आप नेचर के बहुत पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई थिंक दिस विल हैव सम स्पेस इन योर लाइफ। बहुत बहुत राइट। और सर एक और गिफ्ट है आपके लिए, ये मैं योग सेंटर में रखूंगा ले जाकर के। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आप भी अगर किसी दिन आइए। राइट, बिल्कुल, हम विजिट करेंगे। आइए, अभी भी आप, अभी तो खैर अब सेशन चल रहा होगा, बट आप चाहे तो विजिट तो कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, नहीं तो किसी दिन आप आइए, एक दिन आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, श्योर श्योर। और सर ये भी आपके लिए ही गिफ्ट है, आई जस्ट वांट कि अगर आप इसको अनबॉक्स भी करें। अच्छा। क्योंकि काफी सोच के हम लाए हैं। हाँ जी। जो आपके परसेप्शन को मैच करे, कोशिश करी है हमने। तो प्लीज आप इसको अनबॉक्स भी कर दीजिए एक बार। अरे वाह, अरे वाह। बहुत अच्छी है। आज का सेशन वाकई में बहुत ही एनरिचिंग था। टॉकिंग अबाउट द माइन्यूटेस्ट थिंग ऑफ द लाइफ टू द ग्रैंडेस्ट स्ट्रक्चर्स, टॉकिंग अबाउट व्हाट इज लाइफ। सो इट वाज वेरी वेरी लर्निंग एंड एनरिचिंग सेशन फॉर मी एंड आई बिलीव फॉर यू एज वेल। सो विद दिस आई थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।